हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30। सवा आठ हुए गाइस, अभी घड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रश ब्रश हो रही हूँ। तो अभी बाथरूम में सोनी जी नहा रहे हैं, तो अभी मेरा साफ सफाई का काम शुरू होगा। तो मैं नहाने से पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, प्लांट्स वगैरह में पानी दे आती हूँ। बागी में छत पर, तो छत पर झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि मैं छत वत भी सब धो देती हूँ, क्योंकि पेड़ वेड़ में पानी डालते हैं तो गीली हो जाती है, फिर वो ऊपर छत पे आते हैं जल चढ़ाने, तो फिर चप्पलों के साथ मिट्टी नीचे जाती है घर में, तो इसीलिए मैं छत भी धो देती हूँ साथ के साथ। और फिर कपड़े वपड़े भी डालो के नीचे गिर जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं छत भी धो देती हूँ। और अभी पानी आ रहा था तो सोनी जी नहा लिए हैं और पूजा कर लिया, तो अब मैं नहाऊंगी। आशु भी नहा लिया। मैं जाऊंगी नहाने के लिए। टंकी भी भर चुकी है। तो गाइस, मैं नहा धोकर पूजा करके तैयार हो गई और कर रही नाश्ता। और नाश्ते में बनी थी मैक्रोनी, तो आइए आप भी खा लीजिए। गाइज, मैं यहाँ पर आज मशीन रखी हुई थी, तो पिल्लो कवर लेके आए थे मार्केट से, कई दिन से पड़े हुए थे वो, तो उन पे सिलाई लगानी थी क्योंकि पिल्लो कवर थे नहीं और एक जोड़ी थे, तो फिर आशु और लेके आई है, तो उन पे क्या है कि कच्ची सिलाई लगी हुई है, वो एक बार की उसमें यूज़ करने में ही निकल जाती है उसकी सिलाई। तो मैंने कहा पहले सब पिल्लों पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद सबके ऊपर चढ़ा देंगे पिल्लों का वह। तो बस वही मैं यहाँ लगा रही थी सिलाई पिल्लों कवर पे। और ये गोल वाले पिल्लों कवर है सारे, और डेली यूज होते हैं, तो डेली यूज में तो कच्ची सिलाई तो वैसे भी निकल जाएगी, तो फिर अच्छी नहीं लगती वो। तो मैंने कहा पहले इन पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद चढ़ा देंगे। और अब गर्मी आ रही है, तो ये सब कॉटन के लिए हैं, गर्मियों में कॉटन ज़्यादा बेस्ट है। Thank you.
गाइस ये देखिए मेरा स्नेक प्लांट। और गाइस अभी मैं आपको निकाल के दिखा रही थी इसको, तो ये दोनों डंडे मेरे सर पे बजे। तो गाइस अभी मैं प्लांट दिखा रही थी, ये स्नेक प्लांट, ये मनी प्लांट। तो बस इतने में मैं इसको अभी उठा रही थी, तो ये वाली रोड और ये वाली, ये दोनों मेरे सर पे आके लगी थी। शुक्र है बड़ा नहीं था, बड़ा हुआ तो सर पे फूट जाता। और ये हमारा आज का लंच को बनाया आलू शलगम सब्जी, पुदीने की चटनी और लस्सी और रोटी। तो गाइस आप भी खा लीजिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये पुदीने की चटनी, ये रोटी, आलू शलगम सब्जी और ये लस्सी। तो गाइज आप भी खा लीजिए खाना। और गाइज ये था शाम का टाइम, तो शाम को मंगाई थी चाट पापड़ी। तो मेरा बहुत मन कर रहा था चाट पापड़ी खाने का, क्योंकि इन लोगों को शादी में जाना था, तो मैंने कहा चाट पापड़ी खा लूँगी। तो गाइज मैंने तो कम खाए, इन लोगों ने ज़्यादा खाए। ये देखिए खुशी भी हो गई है तैयार, और सोनी जी भी तैयार बैठे हैं, और ये लोग जा रहे हैं अब शादी में। तो गाइज मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।